अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। सम्यकत्व प्राप्त कर गया मैंने, उसके बाद मिथ्यात्व हो सकते हैं? सम्यक तो प्राप्त कर लिया, बाद में मिथ्यात्व नहीं हो सकते हैं। सम्यक तो का उपयोग कम ज्यादा हो सकते हैं, इसको प्रमाद बोलते हैं, मिथ्यात्व नहीं बोलते हैं। मतलब जैसे एक बार मुझे संकित हो गया तो फिर मुझे संकित जाता नहीं है, मिथ्यात्व नहीं आता वापिस, ऐसा? मिथ्यात्व कभी नहीं आएगा वापिस, संकित का उपयोग कम ज्यादा हो सकता है, वो मिथ्यात्व नहीं है, इसको प्रमाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमाद। एक बार आपने शादी कर लिया, फिर वाइफ का टाइटल मिला, वो वाइफ ही रहेंगे, फिर आप कुछ भी करोगे, उल्टा सुल्टा करोगे तो भी लोग कहेंगे वाइफ पागल है, मगर वाइफ तो टाइटल परमानेंट रहेगा आपका, ठीक है? तो ये टाइटल चेंज नहीं हो, एक बार संकित हो गया मिथ्यात्व में से, फिर मिथ्यात्व नहीं होता है, मगर संकित का एप्लीकेशन कम ज्यादा होता है, उसको प्रमाद बोलते। मिथ्यात्व का मतलब अज्ञान, एक बार अज्ञान चेंज हो गया और हमको ये संकित हो गया, फिर बाद में मिथ्यात्व नहीं होता है, मगर संकित का उपयोग करना न करना वो हमारे ऊपर हाथ में है, इसको प्रमाद बोलते हैं। नेक्स्ट अवतार में भी कैफ होगा, जितना जितना बताओ मैं आपको, जितना जितना आपने ये संकित का उपयोग करके डाइजेस्ट किया है वो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट बर्थ में आपको संकित तो कैरी फॉरवर्ड होगा, मगर अज्ञान तो पहले रहेगा, संकित को ओपन करने वाला ओपनर चाहिए। तो अज्ञान वापिस मिथ्यात्व तो हो गया ना स्वामी, वो नेक्स्ट बर्थ में होगा ना, नेक्स्ट बर्थ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बर्थ में तो हो सकता है, हो सकता है ना, मैं यहाँ से मरने के बाद किधर भी जाऊँ तो मैं संकित ही हमेशा सवाल करूंगी, नेक्स्ट बर्थ में तो होगा ही, फिर वो मिथ्यात्व को वापिस कोई ओपनर मिलेंगे तो वापिस फिर आगे बढ़ सकते, तो यही तो बात है ना, आगे बढ़ने नहीं तो फिर क्या होगा, आज ज्ञान दे दिया तो फिर आपको 2000 अवतार में मुक्त में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। श्रीमद राजचंद्र ने खुद ने कहा कि मैं महावीर भगवान का अंतिम शिष्य था, इसके बाद भी इतना अवतार हुआ। दादा भगवान ने कहा था, मैं रुसोजी भगवान के समय भी मैं उनका शिष्य था, दादा भगवान की बात करता हूँ, कि रुसोजी भगवान के समय था, फिर भी इतना अवतार क्यों हुआ? अभी अगर संकित होता तो इतना अवतार नहीं होता। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो सिद्धांत को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। संकेत आने के बाद मिथ्यात्व नेक्स्ट बर्थ में हो सकता है, मतलब वापस अज्ञान आ सकता है। जी जी जी, यही सच्ची बात है। ऐसा कोई स्टेज है स्वामी जी जहाँ संकेत चला जाएगा? नहीं, सत्ता में रहेगा, हर बर्थ में रहेगा, मगर जब कोई ओपनर नहीं मिलेगा वहां तक खुला नहीं होगा, वो आपके पाप और पुण्य के ऊपर आधारित है। अगर आपकी भावना ये ज्ञान या विज्ञान को ओपन करने की ज्यादा होती है तो आपको छोटी उम्र में भी ओपनर मिल जाएगा। अगर आपका संसारिक मोह ज्यादा हो गया है तो फिर आपको ओपनर बहुत लेट मिलेगा। कोई ऐसा लेवल है जिसके बाद नहीं चलता है, वो नहीं, नहीं चला नहीं जाता है, डेवलपमेंट के रूप में सत्ता में तो रहेगा, सत्ता में रहेगा। मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ, एप्लीकेशन नेक्स्ट बर्थ में, जहां तक ओपनर नहीं मिलेगा वहां तक वो अज्ञान का ही आप उपयोग करोगे। अभी जैसे एग्जांपल, मेरा डेवलपमेंट है 50, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से गई तिरंज में, तिरंज में क्या होगा मेरा दृष्टि? तो वहां तो मिथ्या दृष्टि है, क्या दृष्टि है? आप तिरंज में जाओ, देवगति में जाओ या नरगति में जाओ, उसमें मिथ्या संकित दोनों में कुछ नहीं है, मिथ्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, अज्ञान नहीं है, मिथ्या है तो वहां कर्मचार होगा। अरे वापिस दृष्टि क्या होगी स्वामी जी? वहां फिर मनुष्य में आओगे तभी होगा। अभी अभी बोलते हैं ना समित दृष्टि देव होते हैं, ऐसा तो सुना है ना स्वामी जी? हाँ, संकित देव आप समझे नहीं, संकित दारी देव जो होते हैं
वो संकित यहाँ से यहाँ उनको संकित था और वहां देवलोक में गए हैं, ज्यादा पुण्य उसने चार्ज किया है वो डिस्चार्ज करने के लिए, मगर वो संकित का उपयोग वहां नहीं कर सकते हैं। संकित धारी है, मींस दे हैव इट। मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं एग्जांपल दूं, जिसको सहायक संकित है, ठीक है, सहायक संकित तो नहीं जाता। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहता हूँ, एग्जांपल अलग, सहायक संकित मेरे को हो गया, फिर मैं नर्क गति में गया, तो क्या नर्क गति में सहायक संकित रहेगा? सत्ता में रहेगा ना, सत्ता में रहेगा, उपयोग में नहीं रहेगा। सत्ता में तो रहने की बात करता हूँ मैं, तो अभी मैं आपको क्या बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट बात क्या है, उपयोग में रहना चाहिए, तभी तो इसको जागृति बोलेंगे। अभी कृष्ण भगवान जहाँ जिधर भी है, सैनिक नरक में है, उधर उनकी दृष्टि सम्यक है, इसके लिए उधर उनको नरक की वेदना वैसी नहीं लगती, क्योंकि तन्मया का देहाध्यास उधर भी नहीं है, ऐसा नहीं है? नहीं, बताऊंगा वहां, अगर आप वहां अगर सम्यक ज्ञान का या सहायक संकेत का अगर वहां उपयोग कर सकते हैं, तो फिर उसको पुरुषार्थ नहीं बोलेंगे। नहीं, नहीं, जो डिस्चार्ज में पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ नहीं है, तो दृष्टि रहती है, फिक्स दृष्टि है, वो चेंज भी हो सकती है, जैसा लाई हूँ वैसा जीती रहती हूँ, ऐसा मैं समझती हूँ। नहीं, बताऊंगा आपको, संकेतधारी देव है या मिथ्याधारी देव है, सबको एक ही बात है कि वहां तो उनको मैकेनिकल लाइफ जीना है, विदाउट अवेयरनेस एंड विदाउट उपयोग, चाहे देवलोक है, चाहे नरकलोक है, चाहे पशुलोक है, तीनों लोक के अंदर इनका जीवन मैकेनिकल होता है, उसमें न जागृति है, न उपयोग है और न पुरुषार्थ है, ठीक है। संकित है या नहीं है अगले अवतार में, मगर वहां कुछ काम सत्ता में रहेगा, जो भी होगा। मैंने पहले भी कहा, मनुष्य भाव में जाके कोई भी जीव अगर सात अलग अलग भाव करेगा, तो भी नेक्स्ट आठवां भाव उसका जब मनुष्य होगा, तो जो डेवलपमेंट था वो ही शुरू हो जाएगा उसका वहां से ही। तो सत्ता में रहने का तो सवाल है ही नहीं, वो तो रहेगा, कहीं भी जाएगा तो रहेगा। मैं पूछना चाहती हूँ स्वामी जी, सैनिक को वैसी ही वेदना हो रही है जैसे अन्य नारकी जीवों को हो रही है। हाँ, आप सब नारकी जीवों का मतलब बॉडी कुदरत ने दिया है ना, आप क्यों ऐसा मानते हो? आत्मा को तो सुख दुख होता नहीं है। हाँ, तो वो तो आत्मा दशा में, यही तो मैं बोल रही हूँ, सैनिक को वहाँ पर भी आत्मा का वो है, मतलब कॉन्शियसनेस, इसके लिए उसको देह का दर्द देह नहीं लगता है, दूसरों को लगता है, फर्क तो है ना स्वामी जी? नहीं नहीं, बताऊं मैं आपको, नर्क गति के अंदर जो बॉडी होता है और बॉडी को जो सफरिंग होता है, ये मैकेनिकल फॉर्म में होता है, और उसका आत्मा और उनका डेवलपमेंट वो सब साइलेंट हो, साइलेंट आत्मा की तो हाजिरी होती है, मगर जो डेवलपमेंट है उसका, जिसको हम दशा बोलते हैं, वो साइलेंट मोड में होता है। क्या होता है? एक्टिव मोड में नहीं होता है। अगर आपने कहा कि वहां अगर मैं अपना सम्यक दृष्टि का उपयोग कर सकता हूं, तो फिर उसको पुरुषार्थ बोला जाएगा, आप समझो पहले। मैं उपयोग नहीं बोल रही, मैं क्या बोल रही, मैं यहाँ से जैसी दृष्टि लेकर के मरी हूँ, वैसी दृष्टि वहाँ पर पूरा जीवन हाजिर रहती है, मैं ये बोल रही, यूज नहीं करता है, जिस अवस्था में मरी तो वो सत्ता में ही रहेगा, वो सत्ता में ही रहेगा बोलेंगे। जब उपयोग नहीं करोगे तो मतलब क्या रहा? आपके पास 1 करोड़ रुपया है, वो आपके पास है, ठीक है, उसमें प्लस माइनस नहीं होता, मगर उपयोग नहीं करना है तो क्या वैल्यू रहेगी? क्या वैल्यू रहेगी? आपके पास है मगर आपको 1 रुपया यूज नहीं करना है, तो फिर उसका वैल्यू क्या रहेगी लाइफ के अंदर? तो सत्ता में है तो मैं कहां मना करता हूं, सत्ता में तो रहेगा, 8 अवतार होगा तो भी रहेगा, प्रश्न यूज नहीं कर सकते वो बात है, सत्ता में है कि नहीं वो तो प्रश्न है ही नहीं। वो तो मेरे को हम क्या समझते हैं कि वो जागृति से अलग रह सकता है, तो वही तो पुरुषार्थ हुआ। आज हमको क्या करना है कि मन वचन काय से मुक्त रहना है, इसको हम क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। तो वहां पुरुषार्थ नहीं, वो मुक्त रहे वो पुरुषार्थ नहीं। मैं आपको ये बोल रही था, जैसे आपने मेरे को समझाया कि 7 के बाद डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, तो वो डेवलपमेंट पूरा करके वो लेके गए हैं, तो वो डेवलपमेंट में स्वतः यूज होता है ना, मैं मतलब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वहां उपयोग ही नहीं है, वहां उपयोग ही नहीं है, वही तो मैं कहता हूं, वही तो मैं कहता हूं
वहां उपयोग या पुरुषार्थ या लाइव प्रतिष्ठित आत्मा वो नहीं होता है, इसीलिए तो मैंने कहा। और जो डेवलपमेंट है वो साइलेंट मोड में होता है, इसीलिए मैंने कहा कि वहां उपयोग नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि उनके पास संकेत या सहायक संकेत नहीं है, वो तो रहेगा, उपयोग नहीं है इसका। क्या बताया? उपयोग ही तो पुरुषार्थ है, उपयोग ही पुरुषार्थ है। तो फिर संकेत ही देव बोलने की क्या जरूरत है? देव देव है। यहाँ संकेत लेकर गए हैं और संकेत लेकर वापस आएंगे जब मनुष्य में आएगा, तो उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। बस इसके लिए, ये बताने के लिए ये बोला है कि सम्यक दृष्टि दे। हाँ तो क्यों नहीं? अब आपने जब बोला कि ये भावी तीर्थंकर भी नर्क में है, तो मतलब क्यों बोला आपने? वो नर्क में इतना ही बोलना चाहिए ना, मगर भावी तीर्थंकर पर लेके गए तभी तो बोला ना आपने। तो फिर ऐसे वो संकेत लेकर गया है, यहाँ आके संकेत रहेगा उसको, तो लेकर गया है। उसका यूज नहीं करता है वो दृष्टि से, उसको उधर कुछ भी फायदा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तभी तो कहता मोक्ष, अगर अगर वहां भी दृष्टि से अलग रहता है तो फिर वहां से मोक्ष नहीं होता, नया कर्म तो होता नहीं है। मैं ऐसा समझ रही हूँ, जैसे तीर्थंकर का लास्ट इंकार्नेशन है उसमें टोटल डिस्चार्ज ही चल रहा है, फिर भी कर्म बंद तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही वो वहां नर्क में जाकर के ऐसे डिस्चार्ज में भी संकेत चल सकता है ना, मैं ये बोल रही हूँ। आप समझे नहीं, यहाँ इनको उपयोग है वहां उपयोग नहीं है। यहाँ मनुष्य भव में उपयोग है, पुरुषार्थ है, वहां नहीं है। अगर उपयोग पुरुषार्थ वहां कर दिया तो फिर तो भी कर्म बंद भी होगा वहां, फिर वहां से और कोई गति में भी जा सकते हैं और वहां से मोक्ष भी जा सकते हैं। ये तो पूरी त्वरित चेंज हो गई। तो नहीं, मगर आपने, मैंने तो पहले भी कहा था कि तीनों गति के अंदर कर्म चार्ज नहीं होते हैं क्योंकि वहां पुरुषार्थ नहीं है, वो तो मैंने पहले भी कहा था, आज की बात तो नहीं है। नहीं, वो मैं सोचा डिस्चार्ज फॉर्म में चलता रहता होगा ना, ऐसा पैकेज ही ऐसा पूरा टोटल ऐसा पैकेज। डिस्चार्ज में जागृति आती है या उदय कर्म होता है? जागृति है या संकेत है? जागृति है, उदय कर्म है। जागृति भी आती है ना, जैसे आप जितना सब करके आए हो उतना इधर आपको करना नहीं पड़ता, स्वतः हो रहा है ना। हाँ, जो संजोगों को पास करके आ गए इधर, तो आपको कुदरती रचना देखनी नहीं पड़ती, मैं प्रकृति से अलग हूँ ऐसा, मतलब हमारे जैसा आपको नहीं करना पड़ता। तो वो मनुष्य भाव में ने, वो मनुष्य भाव में ने। और मनुष्य भाव में पुरुषार्थ है वो तो बताता हूँ, और मेरा डेवलपमेंट जो उससे आगे बढ़ेगा वो भी बताता हूँ मैं। तो मनुष्य भाव में तो होता है, उसमें तो कहाँ मना करता हूँ। इसीलिए तो मनुष्य भाव को श्रेष्ठ भाव बताया, अगर वहां पुरुषार्थ है तो फिर मनुष्य भाव को श्रेष्ठ कहने की क्या जरूरत थी। उपयोग शब्द और पुरुषार्थ शब्द मनुष्य के अलावा बाकी तीन गति में नहीं है। सच्चिदानंद समिति, यहाँ पे एक मेरा प्रश्न है। अभी जो संकित और मिथ्यात्व की बात हुई, तो मिथ्यात्व जीव जब एक इंद्रिय से उसकी जर्नी स्टार्ट करता है और आज जहाँ तक भी वो डेवलपमेंट के हिसाब से पहुंचा है, तो वहां तक उसका मिथ्यात्व ऑलरेडी डेवलप मिथ्यात्व के फॉर्म में लाइव है ही। जब उसको संकित प्राप्त होता है, तब से यही जो अज्ञान, ये जो मिथ्यात्व उसके पास है, उसको नाश करने का उसको विजन मिलता है। ओके। और जैसे जैसे ये विजन का उपयोग करता जाता है, वैसे वैसे उसको ये मिथ्यात्व माइनस करने की कैपेसिटी बिल्ड होती है। बराबर। उसकी संकित की संकित का डेवलप, या उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, संकित का उपयोग करना। जी, और जी। जब जाके संकित सहायक संकित में कन्वर्ट हो जाता है तो मिथ्यात्व रहता नहीं है। जी। हाँ, और मिथ्यात्व नहीं रहने की वजह से उसको हम सहायक संकित या केवल दर्शन बोलते हैं।
और जहाँ पर उसका ये संकित का जो भी डेवलपमेंट जहाँ पे रुका होता है वहीं से नेक्स्ट वर्क में उसको ओपनर मिलेगा, तब ही जाके ये ओपनर के संयोग के अधीन ये उसका जो भी संकित संकित जहाँ से रुका हुआ था यानी डेवलपमेंट जहाँ से रुका हुआ था। नहीं आप दो बात नहीं करो, सहायक संकित संकित दोनों एक एक ही ट्रैक बोलो, क्या सहायक संकित की बात करो क्या संकित की बात करो? संकित ही सहायक संकित तो डेस्टिनेशन है। ओके, जो भी बात हो रही है वो संकित की हो रही है, संकित से सहायक संकित की जर्नी की बात हो रही है। ओके अच्छा, तो संकित से सहायक संकित तक की जो जर्नी में मिथ्यात्व को नाश करना वही संकित का डेवलपमेंट और वही अंतिम लक्ष्य सहायक संकित है, वही समझना है ना? हाँ बराबर है जी, धन्यवाद। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। समझ आपने खासा वक्त पछी आवे अने आपने क्यारे एनु करेक्शन करिए ज्यारे उकले त्यारे સામાયિક પ્રતિક્રમણ ની કિંમત છે ને એનું એ જવાનું હોય તો પછી પ્રતિક્રમણ ની કોઈ વેલ્યુ જ ના રહે ને? એટલે તમે એને નાશ ભી કરી શકો છો અથવા તો માઇન્ડ ભી કરી શકો છો અને બદલી પણ શકો છો। નાશ કે રીતે સમજો? નાશ એટલે તમે યથાર્થ પ્રતિક્રમણ કરો તો નાશ થઈ જાય, ઝીરો થઈ જાય। હા પણ એમાં શું થાય કે આ બધી પ્રક્રિયા જે કરવાની થાય ને એમાં તમારો દેહાધ્યાસ ફોકસ થાય છે। યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ માય પોઈન્ટ? બીકોઝ તમે જે કર્મ બાંધ્યા છે એ ભોગવવા તમારે નથી, માટે તમે આ કરો છો, પણ તે વખતે તમે સેપરેશન ભૂલી જાઓ છો અને શુદ્ધાત્મા પદને ભૂલી જાઓ છો, કારણ કે પ્રકૃતિ ઉપર ફોકસ છે તો જ તમે પ્રકૃતિનું કરેક્શન કરી શકો। એટલા માટે આપણે પ્રતિક્રમણને ગૌણ કરી નાખે, ગૌણનો મતલબ એને ધાર્મિક સત્ય કીધું, વિજ્ઞાનમાં સેપરેશનને ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યું અને અજ્ઞાનની નાશ કરવામાં મહત્વ આપ્યું, સમજે? એટલે વાત સાચી છે કે પ્રતિક્રમણ કરવાથી ક્યારેક માઇલ્ડ કર્મો બિલકુલ રિમૂવ થઈ જાય, ભારે કર્મો હળવા થાય છે, અને નિશ્ચય કરો તો એ બદલી પણ તમે શકો છો, પણ આ બધી પ્રક્રિયા એ દેહાભ્યાસ ઉપર જાય છે। અમારી વાત સમજાઈ શકું છું? આપણે મુક્ત રહેવું છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખ્યાલ આવ્યો? માનો કે ચૂકી ગયા અને કર્મ બંધ થઈ ગયું, કશો વાંધો નહીં, પણ રહેવું છે મુક્ત આપણે। મુક્ત રહેવું મતલબ કે અજ્ઞાનનો નાશ કરવો છે, અને જે કર્મ બંધી ગયું એ ભલે આવે, જેમ રામકૃષ્ણ આવીને આવ્યું, પ્રશ્ન કેવા ભોગવટ આવે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પ્રશ્ન હું દેહથી મુક્ત રહી શકું છું અજ્ઞાન સિવાય એ આપણા માટે અગત્યનું છે, એ આધ્યાત્મિક માર્ગ છે। અને પેલો ધાર્મિક માર્ગ છે કે પશ્ચાતાપ કરવો, માફી માંગવી અને પ્રકૃતિ સારી કરો, ખરાબમાંથી સારી કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો, એ બધું સામાજિક અને ધાર્મિક વાતો છે અને એ લેવલે એ વાત કરે છે। આધ્યાત્મમાં પ્રકૃતિનો સબ્જેક્ટને સંપૂર્ણ ગૌણ કરી દીધો છે, કેમ? કારણ કે આપણે એનાથી મુક્ત થવાનું છે। આખો કોન્સેપ્ટ બદલાઈ ગયો, ધર્મ અને સમાજમાં તો તમારે પ્રકૃતિ સારી બનાવવી છે, સુધારવી છે, સંસ્કારી બનાવવી છે, ચારિત્રવાન થવું છે, બહારના ચારિત્રવાન એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આધ્યાત્મ માર્ગમાં તમારું જ્ઞાન દર્શનનું ચારિત્ર એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પ્રકૃતિનું ચારિત્ર ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી।